एक साथ सनरूफ से निकल रहे हैं। और ये देख लो भाई, जो लोग कहते हैं ना एक्सयूवी की सनरूफ छोटी है, ये देख सकते हो आप। अच्छा, बड़ी कॉम्पैक्ट सी है, स्पेस उसमें प्रॉब्लम है। मारुति ब्रीजा, जैसा कि सारी ऑडियंस आपकी जानती है कि वो एक टीम का डब्बा है, मेरे को तो ब्रीजा बिल्कुल भी रद्दी भर पसंद नहीं है गाड़ी। और बची सोनेट, सोनेट भी बड़ी कॉम्पैक्ट सी है, उसको हम एक्चुअली कह नहीं सकते। अब बची फोर्ड इको स्पोर्ट, जो कि इंडिया छोड़ के जा चुकी है, उसमें जाने का मन नहीं था। तो दो गाड़ियां बची, महिंद्रा एक्सयूवी 300 एंड टाटा नेक्सॉन। नेक्सॉन डीजल एएमटी ऑलरेडी मेरे पास है, तो अब बची महिंद्रा एक्सयूवी 300। आई एम द प्राउड ओनर, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस कार। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम मोंटी मलिक और एक और एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बेसिकली ये है अपनी महिंद्रा XUV 300 W6 ऑटोमेटिक वेरिएंट है, और इसमें खास बात यह है कि W6 में भी आपको सनरूफ मिल जाती है। इसके इंजन स्पेक्स की बात की जाए तो भाई इसमें 1200cc का इंजन आता है, और बाकी जो डिटेल्ड में बात करते हैं वो करेंगे हम भाई से, जो कि हैं मयंक भसीन। भाई कैसे हो? मैं बढ़िया मोंटी भाई। तो भाई अपनी हमारी ऑडियंस को एक बार ये बताओ, आप अपने बारे में बताओ और थोड़ा बहुत गाड़ी के बारे में बताओ, और कैसे क्या प्लान बना आपका गाड़ी का। सो हेलो एवरीवन, तो गाइस ये है अपनी महिंद्रा XUV 300 AMT पेट्रोल। ओके गाइस, तो ये है 1.3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन आता है इसमें। अच्छा। जो कि 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क है इस गाड़ी में। ठीक है, तो आपने ये गाड़ी कब ली थी? ये गाड़ी मैंने ली थी अगस्त 2021 में। अच्छा, मतलब एक साल पुरानी है लगभग। लगभग अभी होने वाला है, होने वाला है एक साल। तो एक साल में आपने कितनी चला दी इस गाड़ी को? गाड़ी सर कम चली है, क्योंकि मेरे पास एक नेक्सॉन डीजल भी है गाड़ी। ओके। तो ये गाड़ी अप्रॉक्स आपकी 2100 किलोमीटर चली है, बहुत कम चली है। ये आपको कितने की पड़ी थी गाड़ी? ये गाड़ी मेरे को पड़ी थी सर 1,75,000 की। ओके, तो इस जब आप गाड़ी खरीदने गए मार्केट में तो आपके पास और भी ऑप्शंस होंगे काफी सारे, तो आपने इसी को क्यों चूज किया भाई? कुछ तो खास बात होगी ना। गाड़ियां चला के देखी थी मैंने, हुंडई वेन्यू चलाई। अच्छा। बड़ी कॉम्पैक्ट सी है, स्पेस उसमें प्रॉब्लम है। मारुति ब्रीजा, जैसा कि सारी ऑडियंस आपकी जानती है कि वो एक टीन का डब्बा है। बिल्कुल बिल्कुल यार, तो मेरे को तो ब्रीजा बिल्कुल भी रद्दी भर पसंद नहीं है गाड़ी। और बची सोनेट, सोनेट भी बड़ी कॉम्पैक्ट सी है, उसको हम एक्चुअली कह नहीं सकते। अब बची फोर्ड इको स्पोर्ट, जो कि इंडिया छोड़ के जा चुकी है, उसमें जाने का मन नहीं था। तो दो गाड़ियां बची, महिंद्रा XUV 300 एंड टाटा नेक्सॉन। नेक्सॉन डीजल AMT ऑलरेडी मेरे पास है, तो अब बची महिंद्रा XUV 300। आई एम द प्राउड ओनर, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस कार। ओके, तो भाई आपने बहुत डिटेल में बता दिया है। वैसे एक बात बताओ, आपने ब्रीजा की काफी मतलब तारीफ कर दी अच्छी वाली, उसका रीजन क्या है? शायद ब्रीजा ओनर जितने हैं वो मेरी बात से डिसएग्री करेंगे, लेकिन रियलिटी में गाइस ये बात सच है। मारुति सिर्फ और सिर्फ रेट बढ़ा रहा है, एप्पल कारप्ले देने से या छोटे मोटे फीचर्स देने से कुछ नहीं होता। ठीक है, कॉस्ट कटिंग ये भी करते हैं, लेकिन मारुति की बिल्ड क्वालिटी, इसकी बिल्ड क्वालिटी आप हाथ लगा के देखो गाइस। बिल्कुल, 5-सीटर रेटेड गाड़ी है ये, और क्वालिटी देखो। ब्रीजा ऐसे तक गाड़ी, छोटा सा भी डेंट पड़ जाता है ब्रीजा में, इसका बोनेट उठा के देखो, बिल्ड क्वालिटी देखो गाड़ी की। एवरेज सब कुछ नहीं होती, मैं एक फैमिली वाला पर्सन हूँ, मैं लॉन्ग ट्रिप्स करता रहता हूँ, तो मेरे को फैमिली की सिक्योरिटी फर्स्ट है। बिल्कुल, 5-स्टार रेटेड कार है लाइक नेक्सॉन। तो भाई ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी आपकी, कि भाई आपने फैमिली प्रोस्पेक्टिव से गाड़ी ली है और सेफ्टी को प्रायोरिटी दी है, ना कि एवरेज को दी है। और मैं देख रहा हूँ आपने फ्रंट में ये जो DRL लगा रखे हैं, भाई सही बताऊँ तो मेरे को बिल्कुल पर्सनली पसंद नहीं आया। आफ्टर मार्केट एक तो खराब ही हो गया आपका, एक चल रहा है ये देख लो और ये खराब हो गया, इसका क्या रीजन था? एक ब्रदर है वो लगवा के आए थे। अच्छा, मैं इसको चेंज कराऊंगा बहुत जल्दी, फिर हम आपसे शेयर करेंगे। बिल्कुल, आफ्टर मार्केट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो यार मतलब मजबूरी होती है लगवानी और बेकार लगते हैं, क्योंकि इसके जो ओरिजिनल DRLs हैं टॉप मॉडल वाले, जो यहाँ से नीचे की तरफ आते हैं वो काफी मस्त लुक देते हैं। जी सर, अब वही हम इस पे कराने वाले हैं। ओके, और भाई साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो कुछ ऐसी आपको इसकी साइड प्रोफाइल देखने को मिल जाती है। और भाई ये सबसे ना मतलब 1,75,000 देने के बाद भी यार ये फेंडर इंडिकेटर ना सबसे बेकार चीज है ये। सर इस मॉडल में आता है, इसमें कुछ कर नहीं सकते। ये देखो क्रेटा का बेस मॉडल है 2020 वाला, इसमें बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अब मारुति हुंडई भी ऐसा ही कर रही है, लेकिन यार ये थोड़ा सा ना मतलब कंपनीज को हटाई देना चाहिए इसको, शायद महिंद्रा वाले देख रहे हो और जल्दी इसको। हाँ यार, बिल्ड क्वालिटी देखो आप गाड़ी की एक बार। इंटीरियर की बात करें तो ये देख लो आप, भाई ने बहुत ही प्रेम स्टॉक इंटीरियर, सीट कवर्स वगैरह आपने मतलब कंपनी से जो है वही है। तो ये फिट एंड फिनिश की बात करें तो भाई अच्छी क्वालिटी है इनकी, और ये है भाई आपकी AMT। अच्छा भाई, जो AMT है इसका कैसा है, लैग वगैरह करता है कुछ? सर थोड़ा सा इनिशियल में हल्का सा लैग है, लेकिन जब आप गाड़ी में रेस दोगे चलाओगे कोई लैग नहीं है। Okay. और इसकी एक और फीचर मैं आपको बता दूं, लोगों को शायद कम पता होगा। ट्रैफिक में बहुत हेल्प करता है, अपने 5-6 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेता है, बार बार रेस देने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, आओ गाड़ी में बैठते हैं और फिर
एक्सपीरियंस वगैरह सारे का सारा शेयर करते हैं। और बैक साइड की बात की जाए तो भाई रियर में भी आपको ये देखो लेग स्पेस प्रॉपरली है भाई, मेरी हाइट 6 फीट है उसके हिसाब से और एडजस्ट है, वो भी प्रॉपर एडजस्ट कर रखा आपने 6 फीट के हिसाब से, है ना। और खास बात इस गाड़ी की है कि इसमें बेस मॉडल ही एक तरीके देखा जाए तो ये है ना AMT में, उसमें भी आपको सनरूफ देखने को मिलेगी। क्या बात है भाई। अच्छा भाई ये कितनी प्रैक्टिकल है मयंक भाई ये सनरूफ, ये बताओ आप। सर हम जैसों के लिए नहीं है बट हाँ मेरा बच्चा उसको काफी पसंद है। ये देखिए सर सबसे वाइड सनरूफ है, आप मुझे बताइए कौन सी गाड़ी इतना बड़ा सनरूफ देगी। और भाई इससे आप सनरूफ से बाहर निकलोगे ना मेरे जैसा बंदा तो निकल सकता आराम से। मुझे तो भाई देखो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई बट थोड़ा सा हेल्थी लोग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। सर मैं भी निकल जाता हूँ। निकल जाते हो ना। हाँ बिल्कुल। ये देखिए सर कितना प्यारा सनरूफ है। चलिए भाई अब गाड़ी एक बार ऑन कर लेते हैं और थोड़ी सी इस पर ड्राइव करके देखते हैं कैसा क्या एक्सपीरियंस है। अभी गाड़ी ऑन है और बिल्कुल साइलेंट है जी सर, इसका क्या रीजन है? मेंटेनेंस या फिर महिंद्रा की गाड़ियों पे ट्रस्ट आने लग गया लोगों का वो? बेसिकली मैं आपको बताऊं महिंद्रा डीजल में तो फेमस है ही है लेकिन जो पेट्रोल में इन्होंने अब जो काम करा है ना बहुत अच्छा करा है। अगर मैं बात करूँ XUV 700 की थार पेट्रोल की और XUV 300 पेट्रोल की, बहुत साइलेंट इंजन है, आंख बंद करके आप ये गाड़ी ले सकते हैं और बहुत सेटिस्फाइड कस्टमर रहेंगे। ओके अब जैसे कि हम देख रहे हैं तो इनिशियल पिकअप ठीक है यार इसका। आपको दिखाऊं तो भाई गाड़ी है ना सिर्फ और सिर्फ 2100 किलोमीटर चली है और इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी काफी अच्छा देखने में। आप कलर्स वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं इसमें। 3 ड्राइव मोड्स हैं, कंफर्ट, स्पोर्ट्स और नॉर्मल मोड। तो मोड कहाँ से चेंज करते हो आप इसके? सर यहाँ पे सेट पे जाके यहाँ पे मोड चेंज हो जाते हैं। ओके तो यहाँ से आप इसके मोड चेंज कर पाओगे, बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप यहाँ पे टायर की डायरेक्शन भी अगर आप पार्क करके खड़ी करते हैं। बाकी TPMS वगैरह भी हमें इसमें मिल जाता है। हाँ जी। और सर सबसे बढ़िया बात बेस मॉडल से आपको चारों डिस्क ब्रेक इसमें मिलते हैं। सेफ्टी के वाइज महिंद्रा ने काफी काम किया। और एयरबैग की बात की जैसे में 7 एयरबैग्स मिलते हैं ना सर, तो भाई ये देखो यार मतलब 7 एयरबैग इसका ये अप्रिशिएटेबल है भाई। और इसके बाद यहाँ बात की जाए तो स्पेस भी यहाँ पे काफी अच्छा स्पेस दे रखा है। और इसके अलावा ग्लव बॉक्स का साइज भी ठीक है भाई, इतना मतलब वाइड है सर, है ना काफी वाइड है। और ये आर्म रेस्ट आपने ये तो मुझे लग रहा है आपने आफ्टर मार्केट लगवा रखा है, लकड़ी वाला है 600 वाला ये सर चेंज करवाना है कंसोल नहीं बट ये अच्छा लग रहा है। इसका रीजन ये है कि ये जो आपका जो हैंड ब्रेक है ना वो नहीं इसमें अड़ रही है, अड़ नहीं रही है, मेन रीजन इसका यही है। ये आवाज किस चीज की थी सर? जैसे हम मैनुअल पे एकदम से न्यूट्रल करेंगे तो एक आवाज आती है, वो कहते हैं कि बस ब्रेक लगा लो फिर अपना AMT कर लो, ऑटोमेटिक पे चला लो। और मैं बताता हूँ लोग मिथ करते हैं कि एवरेज नहीं देता, सर देखिए 14.4 की अभी एवरेज इसमें दिखा रहा है, मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ ये देखिए 14.4 लोग कहते हैं 10 की एवरेज है, कोई 10 की भाई ये तो झूठी तो बोल सकता है, प्रैक्टिकल है सर बिल्कुल है 14 की इजीली एवरेज। अच्छा अच्छा अभी तक जैसे मैंने देखा आपने गाड़ी के पॉजिटिव्स ही बताए हैं, नेगेटिव के बारे में कुछ बात नहीं की, बट कुछ ऐसा कुछ तो होगा भाई जो मतलब नेगेटिव भी होगा इसका? नेगेटिव सर बूट स्पेस है लाइक सबको पता है इसमें बिल्कुल है। हाँ। सर हम रोज रोज ट्रिप में तो जाते नहीं है। हाँ ये बात भी है सर, 1-2 महीने में। और सर छोटी फैमिली के लिए तो बढ़िया गाड़ी है बहुत, नेक्सॉन से एक लेवल ऊपर है गाड़ी। तो नेक्सॉन आपके पास डीजल है? नेक्सॉन डीजल है। आप कंपेयर करना चाहो आप नेक्सॉन डीजल वर्सेज XUV पेट्रोल तो सर मेरे बंदे के लिए मुझे वाइड गाड़ी चाहिए थी जिसमें अंदर स्पेस ज्यादा हो तो ये मेरे को सूट करी। नेक्सॉन थोड़ी सी कम्पैक्ट है, इसके शीशे वाइड हैं, पूरा व्यू दिखता है, पूरा व्यू दिखता है। नेक्सॉन की ग्राउंड क्लीयरेंस 210 है, इसकी 180 है ग्राउंड क्लीयरेंस। और बूट स्पेस छोड़ के इतनी अच्छी गाड़ी छोड़ना मुझे नहीं लगता। आई थिंक आपके सब्सक्राइबर और सारे जितने देख रहे हैं सारे एग्री करेंगे इस बात से। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है इस सेगमेंट में ना इससे बेस्ट गाड़ी मुझे कोई लगती भी नहीं पर्सनली भी। एक नेक्सॉन लगती है, नेक्सॉन का थोड़ा स्पेस में थोड़ा सा मार खा जाती है वो, क्योंकि उसका जो हेड का स्पेस है ना वो बड़ी कॉम्पैक्ट सी कॉम्पैक्ट SUV टाइप। पीछे से भी उसकी लुक अगर आप देखें ना आगे से शुरू होती है पीछे से खत्म हो जाती है, पीछे से खत्म हो जाती है, ऐसी लुक है नेक्सॉन की। और भाई महिंद्रा और टाटा की गाड़ी आपको पता है बिल्ड क्वालिटी के नाम पे तो अच्छी खासी है और काफी अच्छा मतलब इनकी सभी की डिमांड है। और
ये भाई का एक्सपीरियंस है। और बताओ भाई कुछ अपनी गाड़ी के बारे में, कितनी की टॉप स्पीड वगैरह लेके गए हो आप इसको? सर मैंने इसको 120-130 चलाया है, ज्यादा तो चलाया नहीं, नई गाड़ी है अभी। अच्छा, तो बहुत स्मूथ है, हाईवे पे स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, एकदम दबके चलती है गाड़ी। ओके, तो इसकी फर्स्ट सर्विस तो हो चुकी होगी ना? फर्स्ट सर्विस हो चुकी है। तो कैसा क्या एक्सपीरियंस था आपका फर्स्ट सर्विस के बाद? तो सर ज्यादा कुछ करते ही नहीं है, बस वॉशिंग करके अपना दे देते हैं। नहीं वो तो ठीक है, बट उनका जो बिहेवियर था वो किस टाइप का? बिहेवियर अच्छा था महिंद्रा का, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो था देसी ठर्रे वाली बात। नहीं नहीं सर, अच्छा था, प्रोफेशनल बिहेवियर था और फीडबैक कॉल्स भी आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। Okay. कुछ लोग गलत लिखते हैं, वो दूसरी कंपनी वाले हैं, मे भी हो सकते हैं। वो तो यार देखो, हर अगर किसी का पॉजिटिव हो तो नेगेटिव ऑटोमेटिकली बन जाता है। सबको पता है एक्सयूवी सेगमेंट महिंद्रा की चली रही है, 700-300 महिंद्रा थार, तो थोड़ा सा उनको भी डिमांड फुलफिल करने में टाइम लगेगा, जैसे हम सब जानते हैं कि सेमी कंडक्टर की अभी शॉर्टेज चल रही है इंडिया में। जी सर, और महिंद्रा की तक में सारी गाड़ियां वेटिंग पर ही चल रही हैं। हाँ जी, और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा मोंटी जी, कि इसमें ओवरटेक करने में बिल्कुल भी लैग नहीं है। Okay. पता नहीं चलता गाड़ी कब ओवरटेक करके अपना आगे निकल जाती है। बॉडी रोल वगैरह कुछ, बॉडी रोल कुछ भी नहीं है। सबसे अच्छी बात है दोनों अपना सारा बोनेट, बोनेट यहाँ ये है ना कि बोनेट आपको प्रॉपरली दिख रहा है, और इससे कॉन्फिडेंस आता है ड्राइव करने में कि भाई आप कहीं से भी कट मार के निकाल सकते हो गाड़ी को इजीली, और आप काफी हाइट में बैठते हैं। हाइट में बैठते हो, ये चीजें तो है ही भाई। बाकी आपको इसमें सनग्लास होल्डर वगैरह देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे मिरर सब वैनिटी मिरर वगैरह हैं, लाइट वाले हैं साथ में, अच्छी चीज है यार। और एज एक्सपेक्टेड ये आपने चेंज करवा रखा है? हाँ जी, हाँ जी, IRVM चेंज करवा रखा भाई ने। और फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है आपकी इस गाड़ी में, कुछ मॉडिफिकेशन करवानी है? सर, मैं DRS लगवाऊंगा अभी। अच्छा, और एक इसमें लेदर रैप स्टीयरिंग कवर लगवाऊंगा। ओके, बस सर ज्यादा नहीं, सिंपल लगना पसंद है थोड़ा। हाँ भाई, फैमिली कार है ना, जो अगर कुछ आपकी पर्सनल हो, अपने प्रोजेक्ट के लिए हो, तो वो बात अलग है, अदरवाइज आपको स्टॉक की गाड़ी रखनी चाहिए। आइए गाड़ी के बाहर चलते हैं और आपको एक बार साइड प्रोफाइल और बैक साइड भी दिखाई देते हैं भाई। अच्छी बात यह कि आपको रूफ रिल्स कंपनी फिटेड मिल जाती है, और साथ में देख पा रहा हूँ भाई, ये बताओ आपने नंबर क्यों छुपा रखा है, इसका रीजन तो बता दो। सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से मैंने नंबर। ओके, और जो आपने रिफ्लेक्टर्स लगवा रखे, कंपनी फिटेड है या आपको मतलब? सर ये आफ्टर मार्केट है। तो कुछ साइड इफेक्ट लगा आपको इनका, या फिर सही रिस्पांस है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आई? अच्छी हाईवे वगैरह पे बढ़िया अपने रिस्पांस देते हैं। ओके, इंडिकेटर के साथ चलते हैं, मैट्रिक्स एकदम। ओके, मतलब आप फ्यूचर में अपने फ्रेंड्स वगैरह को रिकमेंड कर सकते हो कि ये गाड़ी ले सकते हो? बिल्कुल सर, आंख बंद करके आप XUV 300 ले सकते हो, बहुत दमदार गाड़ी है, बहुत दमदार गाड़ी है। देखो भाई, एक हट्ठे कट्ठे इंसान को सनरूफ से, छोटे वाली सनरूफ से निकालने में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, क्यों भाई? मैं दिक्कत नहीं है भाई जी, आप भी आ सकते हैं, बिल्कुल एक आदमी की जगह और है इसके अंदर। और ऐसी कुछ है भाई, अपना XUV 300 का स्पेस, और फुली सेटिस्फाइड है भाई इस गाड़ी से। मैंग भाई, पहाड़ों के लिए तो काफी अच्छी है सनरूफ, इसमें दो आदमी आराम से निकल चुके हैं, निकल के बाहर आ चुके हैं। बट दिल्ली में कितनी प्रैक्टिकल है बताओ? दिल्ली में प्रैक्टिकल कम है, आपको सही बता है ना, ये देखो कितना सारी धूल है यहाँ पे, तो गाड़ी सारी खराब हो जाएगी आपकी। मतलब हाँ, टो हो जाएगा, किसी को मारनी है तो बच्चों के हिसाब से ठीक है, पर हम जैसे के लिए नहीं। हम बिल्कुल दिल्ली के हिसाब से भाई सनरूफ ऐसी है कुछ अपनी XUV की, और दिल्ली में थोड़ी मतलब इतनी प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि धूल मिट्टी ज्यादा है। बट मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा महिंद्रा को, जिन्होंने इतनी वाइट सनरूफ दी है। वाइट ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है मयंक भाई का, मयंक ने प्रॉपरली बता दिया कि उन्होंने XUV 300 क्यों ली, रीजन क्या था, ऑटोमेटिक लेने का क्या रीजन था, और अपने सारा एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और अभी के लिए था ही, थैंक यू मयंक भाई आने के लिए। भाई के चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए गाइस, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत मेहनत लगती है गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। और भाई आज की वीडियो में इतना ही, आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो में बहुत ही जल्द।